नमस्कार बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए इकोलॉजी का चैप्टर लेकर आई हूँ। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है, ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो 12वीं में मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम इसमें ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। कौन सा चैप्टर करेंगे हम आज? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। गाइस, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है तो हम बाद में आपको मैं बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, लिखकर मैं अपने नोट्स शेयर करूंगी आपके साथ। प्लीज उस नोट्स को कवर करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी थ्योरेटिकली बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी मतलब जनरली बता रही हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस में इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, आखिर इनमें क्या रिलेशन है। ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सबको ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है ना। ये सब मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, उस पॉपुलेशन में ये हैबिटेट के अकॉर्डिंग रहते हैं, एडप्टेशन करते हैं, और जैसा टेम्परेचर होता है, जैसे स्नोफॉल रेनफॉल होता है, उस अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडप्ट करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज ये खुद को अडप्ट कर लेते हैं, मीन्स ढाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रही थी कि लैब ऑर्गेनिजम्स में बहुत से लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, नेचुरली भी इफेक्ट करता है और थ्योरेटिकली भी। तो देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन बदलेगी, तो जो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है वो भी तो चेंज होगा। जैसे गर्मी आती है तो आप एसी कूलर में जाते हैं, ठंड आती है तो आप एसी कूलर बंद कर देते हैं, पंखे ऑफ कर देते हैं, है ना गाइस। कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो ठंड गर्मी में भी कंबल ओढ़कर सो रहा हो, है ना, या फिर गर्मी में भी तीन तीन महीने ना नहाए। कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है। नहीं चल रहा मार्कर, पता नहीं आज इस मार्कर की बैटरी शायद लो हो गई है। तो गाइस, आपके पास एक्स्ट्रा मार्कर हो तो प्लीज मैं अपना एड्रेस भेज देती हूँ, मुझे भेज दीजिएगा। अरे ऐसे देखिए ना, उल्टा सीधा करके, अरे थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा ऊपर करके देना तो अच्छा लिखेगा। तो ओके, ट्राई करते हैं लिखने का। ठीक है गाइस, तो मैं आपको अब एनवायरनमेंट के बाद बता रही हूँ कि बायोम्स क्या होता है। ठीक है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, इट्स ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे। मैं आपको आपके साथ नोट शेयर करूंगी अपने पीपीटी बनाकर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बस आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है आप उनको मेमोराइज करिए मेरे साथ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बायोम्स। बायोम्स क्या होता है? लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोम्स बोलते हैं, जो फ्लोरा और फ्योना को अफेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो फ्लोरा और फ्योना को अफेक्ट करते हैं उन्हें बायोम्स कहते हैं। मींस फ्लोरा मींस प्लांट्स एंड फ्योना मींस एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जैविक पदार्थ जो भी है, हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन्हें अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को बायोम्स बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें ना अकॉर्डिंग टू मतलब इन्हें अकॉर्डिंगली अफेक्ट कर किया जाता है। जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अफेक्ट करते हैं, कहीं पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो मतलब वाटर भी एक तरह का बायोम फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फ्लोरा और फ्योना को। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि मेजर बायोम्स कौन से होते हैं। मेजर बायोम्स है आपके 6 मेजर बायोम्स है, आर्कटिक, अल्पाइन टुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है,
और भी है, टेम्परेचर है और ग्रासलैंड है, ठीक है। ये आपके 6 बायोम फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेजर अफेक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ता है जीव जंतु पे, फ्लोरा और फौना पे, यानी प्लांट एनिमल्स पे, वो है टेम्परेचर, ठीक है, वाटर है ना, लाइट और सोइल, ठीक है। अब आप देखिए, कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े पौधों, बड़े पेड़ों के साथ छोटे पेड़ ढक जाते हैं, है ना। आपको पता है कि सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होता है पेड़ पौधों के लिए। तो अगर उनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी छोटे पेड़ पौधों पे, बड़े पेड़ों की वजह से, तो क्या होगा, वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज में, ठीक है, वो कम लाइट में भी अपना खाना बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, अब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। गाइस, दो चीजें, दो वर्ड है इसके अंदर, मतलब इस पूरी यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, यूरी और स्टेनो, ठीक है। तो यूरी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को वाइड रेंज पर, जो अपने आप को वाइड रेंज पर अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें यूरी बोलते हैं। और स्टेनो का मतलब होता है, स्टेनो मीन्स, अब वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको, नैरो, मतलब कि जो खुद को नैरो रेंज पर अडॉप्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टेनो, ठीक है। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरी थर्मल होते हैं, वो अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाइड रेंज पर अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें यूरी थर्मल कहते हैं। और स्टेनो थर्मल वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टेनो थर्मल, जो खुद को नैरो रेंज पर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वाटर बायोम्स के अंदर वाटर भी एक मेजर अफेक्ट है, ठीक है, मेजर फैक्टर है जो बायो फ्लोरा और फौना पे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सैलिनिटी में भी रह लेते हैं, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा नमक वाला पानी होता है वहां पे भी रह लेते हैं, और कुछ जहाँ पे नमक वाला पानी नहीं होता वहां पे भी रह लेते हैं। आपको पता है वाटर सबके लिए जरूरत है, चाहे वो नेचुरली हैबिटेट हो या फिर फिजिकली या स्ट्रक्चरली, किसी भी तरीके से, ज्योग्राफिकली किसी भी तरीके से जीने की वजह हो या फिर कुछ बनाना ही हो, तो वाटर का सबसे ज्यादा जरूरत होता है ना। और वाटर जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना, बहुत कम मात्रा में, है ना, पृथ्वी पे। तो देखिए वाटर कैसे अफेक्ट करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरीसेलाइन, कुछ होते हैं हेलाइन, सॉरी यूरी हेलाइन, और कुछ होते हैं स्टेनो हेलाइन, ठीक है। यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज की सैलिनिटी पे भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और स्टेनो हेलाइन जो नैरो रेंज पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है। अब लाइट, मैंने आपको बताया था लाइट सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेड़ पौधों के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब। अच्छा, क्या आपको ये बात पता होगी, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस कहाँ पर करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा हो या फिर हायर लेवल टू और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहा हो, ठीक है। तो लीव्स में, यानी ग्रीन लीव्स में वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये आपको तो पता ही होगा कि ग्रीन लीव ग्रीन क्यों होता है, क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अब लाइट की हमने बात करी, अब हम सोइल की बात करेंगे। सोइल में क्या, सोइल कहीं कहीं पे कैसा होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ठीक है। तो वहां पे भी कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये भी मैं आपको अपने नोट्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपके लिए नोट्स लेकर आऊंगी पीपीटी के साथ, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन की वीडियो पे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का भी। तो बाय, टाटा, नमस्कार।